सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ चुका हूं एक और वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट की। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए लेकर आया हूं क्राफ्टेबल फर्नीचर्स मॉड। और गाइस, इस मॉड को यूज करके अपने माइनक्राफ्ट में बहुत ही तगड़े डिजाइन वाले फर्नीचर्स को ऐड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप इस मॉड को यूज करते हो अपने 1-2 GB रैम वाले फोन्स में, तो आपकी गेम बिल्कुल भी ज्यादा लैग नहीं होगी। तो चलो गाइस, मैं जल्द से आपको शो कर देता हूँ कि आप इस मॉड को कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे अपने फर्नीचर्स को कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, और एट दी लास्ट में आपको ये भी बता दूंगा कि आप इस मॉड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे आपको क्राफ्टिंग के नाम पे एक ही चीज को क्राफ्ट करना है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको मैं तो अभी क्रिएटिव में, तो नेचुरल सेक्शन में यहाँ पे आपको स्पॉन एक्स के सेक्शन में एकदम स्क्रोल डाउन करके यहाँ पे आपको सारे के सारे फर्नीचर जो है वो तो मिल जाएंगे। साथ ही में जिससे हमको ट्रेडिंग वगैरह करनी है वो है हमारी यू मैक मार्ट ऑनलाइन। यहाँ पे मतलब इसका मतलब ये है कि आपको उसको क्राफ्ट करके, एक टाइप की मशीन है, तो इससे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली इसको प्लेस कर देते हैं और ये थोड़ी उल्टी डायरेक्शन में प्लेस हो गए। और इसकी लुक तो आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ही ऑसम लग रही है। इसके ऊपर यू मैक लिखा हो, यहाँ पे साफ लग रहा है कि ये कोई सी टाइप की मशीन है। और यहाँ पे एंटीना वगैरह का भी लगा है कि हमको यहाँ पर नेटवर्क भी मिलते रहे। खैर, या तो माइनक्राफ्ट में कई नेटवर्क मिलेगा। और यहाँ पे आपको कुछ भी डायमंड वगैरह ले लेना है, तो यहाँ पे सबसे मतलब बढ़िया आइटम है वो है डायमंड, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं डायमंड सर्च कर लेता हूँ, तो यहीं कहीं हमको डायमंड मिल जाना चाहिए। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे हमको फाइनली डायमंड मिल चुका है। वैसे यहाँ पे आप आयरन गोल्ड भी ले सकते हो, पर उनकी रेट थोड़ी कम है। यहाँ पे आपको सिंपली ट्रेड के ऊपर दबा देना, यानी फिर इनके ऊपर मतलब डायरेक्टली टैप करके भी रख सकते हो, तो यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। खैर, यहाँ पे तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत गेम लैग हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको आयरन के बदले एक यहाँ पे आपको करेंसी मिल जाएगी जिसका नाम है 1 डग बग। तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगी, गोल्ड से 3 मिलेगी, और यहाँ पे एमराल्ड से 10 मिलेगी। और मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया रेट ना एमराल्ड की, क्योंकि डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड है ऑब्टेन करना, पर एमराल्ड ज़्यादा हार्ड नहीं, और एमराल्ड में आपको बहुत ज़्यादा भी मिल जा रहे हैं। और लास्ट जो है ना वो है हमारे डायमंड। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं डायमंड से ट्रेडिंग शेडिंग कर सकता हूँ। और यहाँ पे मेरे कुछ ही पल में पूरी 2 स्टैक इन्वेंटरी भरा चुके है। और यहाँ पे आपको जैसे ट्रेड कर लोगे, यहाँ पे आप सारे के सारे फर्नीचर्स को भी देख सकते हो। ये कौन सा है, अटारिया फ्लैशबैक एट कॉन्सोल, यानी कि तो कौन से टाइप का कॉन्सोल है। और ये रहा हमारा रेडियो, इसको बूम बैग भी, बूम क्या नाम है इसका, हाँ बूम बॉक्स, बूम बैग नहीं होता। ये रहा हमारा टीवी। और यहाँ पे आपको और भी ढेर सारे फर्नीचर्स मिल जाएंगे, VHS प्लेयर। खैर, यहाँ पर हम क्रिएटिव में, तो ऑब्वियसली मैं इनको क्रिएटिव में लेना पसंद करूँगा सिवाय ट्रेडिंग के, तो इनको अंदर वापस से रख देते हैं क्योंकि मेरे को अपनी जगह भरनी नहीं है। और इसको भी फेंको, इसको भी फेंको। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके मैं अपने सारे के सारे फेवरेट फर्नीचर्स यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्लोब क्यूब, वैसे ग्लोब असलियत में क्यूब नहीं होता। खैर, माइनक्राफ्ट में यहाँ पे आपको सब कुछ क्यूब ही मिलेगा। टीवी तो हमने ले लिया है, कॉफी टेबल भी ले लेते हैं। और ये रहा VHS प्लेयर, जो कि हमने हाल ही में देखा था। ये रही हमारी चेयर टू, यहाँ पे आपको ढेर सारे डिजाइन के चेयर मिल जाएंगे, काउच मिल जाएंगे, टेबल मिल जाएंगी, शेल्फ मिल जाएंगे, और भी डिजाइन के यहाँ पे आपको फर्नीचर्स मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल यहाँ पे आपको 50+ फर्नीचर्स मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो, ब्रेक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत गेम लैग हो रही है, आई थिंक सो। तो एक यहाँ पे इन्वेंटरी खाली करते हैं, और यहाँ पे आपको हाथ सिंपली इसके ऊपर टैप करना है। और एज यू कैन सी, यहाँ पे जो हमारी मशीन है वो ब्रेक हो चुकी है, और वापस से आप इसको प्लेस भी कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ पे आपकी मतलब क्राफ्टिंग बर्बाद नहीं जाएगी, बस अगर आपने गलती से टैप भी कर दिया तो वह सामान तो आपको वापस से मिलना ही है। तो यहाँ पे मैं वापस से और भी आपको फर्नीचर्स दिखा देता हूँ। तो ये हमारा ग्लोब मॉडल क्यूब, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, प्रिटी कूल दिख रहा है। और उनकी जो डिज़ाइन है ना वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। कॉफ़ी टेबल भी आप देख सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो भाई, हमको अगर हमारे क्यूब मतलब कुछ भी सामान को, टेबल वगैरह किसी भी सामान को इसके मतलब टेबल के ऊपर प्लेस करना, तो यहाँ पर अगर आप टैप करोगे तो टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं, पहले यहाँ पर आपको अपना जो भी फेवरेट आइटम उसके ऊपर रखना है, तो उसको नीचे प्लेस कीजिए, और उस उधर ही मतलब जहाँ पे आपको प्लेस करना है टेबल, उसी जगह पे अपने टेबल को प्लेस कर दीजिए। और साथ ही साथ अपना फेवरेट आइटम जैसे कि टीवी, ग्लोब, कुछ भी वहाँ पे प्लेस कर दिए, मतलब उसी ब्लॉक के ऊपर आपको प्लेस करना। मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा ग्लोब, और इसके वहीं पे आपको टेबल को प्लेस कर देना। और एज यू कैन सी, यहाँ पे जो हमारा ग्लोब है ना उसके ऊपर प्लेस हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अगर हम 2-2 ग्लोब को रख के देखें तो क्या होएगा, ये तो बहुत बड़ा ग्लोब बन चुका है। और यहाँ पे आप देखो, 2-2 ग्लोब एक ही टेबल पर रखा चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं टीवी प्लेस करके देखूँ, तो ये रहा हमारा मतलब दादाजी के ज़माने का टीवी, जो कि बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा है, वैसे रेट्रो डिज़ाइन है।
जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये इसके ऊपर प्लेस नहीं होगी, मुझे लगा ही था। इसके लिए हमको दूसरे डिज़ाइन की टेबल चाहिए, क्योंकि तो कॉफ़ी टेबल है। और भी यहाँ पे गाइस, अगर आप इस मॉडल को खुद से एक्सप्लोर करते हो ना, तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाले बेटर देन मैं अगर आपको दिखाऊँ। ये रहा हमारा काउच, इसके ऊपर आप बैठ सकते हो ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप देखो, मैं इसके ऊपर सीट हो चुका हूँ और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा हूँ, मतलब देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहे हैं। और उनके जो डिज़ाइन है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अगर इस कॉमेंट में आकर जरूर बताना कि आपका सबसे फेवरेट फर्नीचर यहाँ पर कौन सा है। और ये रहा ऑफिस चेयर, जिसके ऊपर आप मतलब बैठ के राइड कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे इनके नीचे व्हील्स लगे, तो हम इनको चला भी सकते हैं। और यहाँ पे देखो रेविन है, एक काम करते हैं इसको पानी के अंदर ले चल के देखते हैं। और पानी के अंदर तो सिंक होना शुरू हो चुके हैं। खैर यहाँ पे मेरे को लगता नहीं कि इसके हार्ट्स जाना शुरू होंगे, क्योंकि ये तो एक नॉन लिविंग थिंग है। फिर भी यहाँ पे आपको हार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको एक हिट मारोगे ना, ये ऑब्वियसली मर जाएगी नहीं, मतलब टूट जाएगी। मरना तो कैसे कह ही सकते हैं। और यहाँ पे देखो, मैंने इसके ऊपर भी प्लेस कर दिया, पर अभी तक टूटी नहीं, फाइनली ये टूट चुकी है, और जिसकी मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है। और गाइस जल्दी से मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप इस मॉड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइस अगर आपको और भी जो मतलब इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए, तो मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करी ना, वहाँ पर तो आप उसको डाउनलोड कर ही सकते हो। साथ ही साथ बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो यहाँ पे। अभी जो टाइम है वो रात होने वाला, तो मैं इसको जल्दी से देख कर देता हूँ, क्योंकि रात में मॉब स्पॉन होते हैं और मॉब्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये रही हमारी ट्रॉफी, इसको प्लेस करता पहले डे टू होए, तो यहाँ पे डे हो गया है। और यहाँ पे आप ट्रॉफी को भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ऑसम लग रही है। और यहाँ पे आप इनको मतलब शिफ्ट भी कर सकते हो, सिंपली आपको इनके पास जाना है और अपनी बॉडी से इनको मूव करना है, जो कि थोड़ा बहुत फनी लग रहा है मेरे को। मतलब ऐसा नहीं कि हाथ से उठा के रख दो। और ये VHS प्लेयर, जो कि मेरे ख्याल से इसका कोई यूज़ नहीं है। चेयर टू, ये भी बहुत अच्छी लग रही है, पर ये मूविंग नहीं है, क्योंकि इनके व्हील्स अवेलेबल नहीं है। और ये वाली काउच तो हमने देख ही लिए, मतलब आपको तीन चार टाइप के यहाँ पे आपको काउच, टेबल, चेयर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे और भी फर्नीचर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के यहाँ पे आपको फर्नीचर मिलने वाला है। और गाइज हमको सीलिंग फैन मिल चुका है, जिसको हम लगा सकते हैं, और मैंने तो इसको मतलब ग्राउंड पर लगा दिया। खैर फिर भी घूम रहा है, अगर आप आई थिंक उसके ऊपर टैप करोगे तो ऑब्वियसली ये टूट जाएगा, मरना नहीं कहेंगे, टूट जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे जाकर देखता हूँ कि फाइनली हमको हवा लग रही है कि नहीं। वैसे इसकी डिज़ाइन वगैरह तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे इनको इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं कहाँ से मिले, लगता है सोलर एनर्जी मिल रही है। तो कोई नहीं गाइस, चलो मैं आपको जल्दी से शो कर देता हूँ कि आप इस मॉडल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए, जल्दी जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आफ्टर डाउनलोडिंग आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली फाइल के ऊपर टैप कर देना है, आपका माइनक्राफ्ट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। पर अगर से कुछ नहीं हुए, कुछ एक्सट्रैक्टिंग दिक्कत पड़े, तो डोंट वरी, मैंने वीडियो बना रखे ऑटो इंस्टॉल मॉड्स, उसको आप जाकर देख सकते हैं। बड़ी आसानी से आप भी मॉड्स इंस्टॉल करना सीख जाओगे। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अपने माइनक्राफ्ट को ओपन करना है, यहाँ पर करनी क्रिएट न्यू वर्ल्ड, या फिर आप इस मॉड को अपने प्री एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में भी इस मॉड को यूज कर सकते हो। और वाइल क्रिएटिंग न्यू वर्ल्ड, यहाँ पर आपको गेम सेटिंग में जाके स्क्रोल डाउन कर मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट्स। और यहाँ पर आपको केव्स एंड क्लिफ्स को टर्न ऑन नहीं करना, नहीं तो आपका मतलब एक टाइप से केव्स एंड क्लिफ्स का अपडेट आ जाएगा। और पर यहाँ पर आपको हॉलीडे क्रिएटर फीचर्स, क्रिएशन ऑफ कस्टम मैप्स और लास्टली एडिशनल मॉडिंग कैपेबिलिटीज, तीनों को बारी बारी करके टर्न ऑन कर देना है। और एडॉन सेक्शन में यहाँ पर आपको रिसोर्स पैक मिल जाएगा, यू मैक रेट्रो फर्नीचर, तो यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर दीजिए। सेम एज बिहेवियर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, यू मेक रेट्रो फर्नीचर, यहाँ पर भी इसको एक्टिवेट कर दीजिए। और लास्टली अपनी वर्ल्ड को कर दीजिए क्रिएट। और गाइस जैसे आप अपनी वर्ल्ड को क्रिएट कर दोगे, मैंने तो यहाँ पर आपको शो कर ही दिया कि आप इस मॉड को कैसे यूज कर सकते हो। और मैंने आपको क्राफ्टिंग रेसिपी शो करना भूल गया, पर हाँ जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करिए, वहाँ पर आप इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी देख सकते हो। बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली क्राफ्टिंग रेसिपी को ऑल पे कर दीजिए और वहाँ पर आपको क्राफ्टिंग रेसिपी देखने को मिल जाएगी। होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि मेरे को वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।